रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कर लिया है। ये एक्सप्रेस का हमने छोटा सा चुन्ना मुन्ना सर्वर एक बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक एक्सप्रेस डॉट जेसन लगाया हुआ है बॉडी को पार्स करने के लिए। इसमें कोर्स को भी हमने लगाया लेकिन डिसेबल किया हुआ है क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो सेम ओरिजिन पे होस्ट हुआ है। उसके अलावा हमने ऑथ राउटर करके एक राउट बनाया है जिसके अंदर लॉगिन और साइनअप के दो डमी जो है ना उसके अंदर APIs बनी हुई हैं जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद हमने ये बैरियर लगाया हुआ है जिसके अंदर हम टोकन इंशाल्लाह चेक करेंगे बहुत जल्दी JWT लगाएंगे जब। उसके बाद हमारे पास ये पोस्ट राउटर है जिसके अंदर हमने 4 अदद APIs बना ली थी जो है ना पोस्ट को क्रिएट और करड ऑपरेशन पूरा किया था हमने। अच्छा ये वेरिएबल अभी तक बना हुआ क्यों है यहाँ पे यार, इसको हटा नहीं दिया था मैंने। ओहो ये तो नीचे भी कहीं इस्तेमाल हो रहा है, नीचे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है जरा ये देख लेते हैं। हाँ ये किस में इस्तेमाल हो रहा है भाई, पुट में, ये पुट में अभी तक लगा हुआ ही है। अच्छा पुट को हमने अभी तक अपडेट नहीं किया, कौन कौन सा कर लिया था हमने, पोस्ट तो ये हुआ हुआ है, पोस्ट को गेट वाला भी कर लिया था, ऐसे कोलैप्स करते जाते हैं उसको। ठीक है ये भी सही हुआ है 2 array। अच्छा और सिंगल पोस्ट वाला भी किया हुआ है हमने। अच्छा सिंगल पोस्ट वाले में गड़बड़ अभी मुझे नज़र आ गई, लगे हाथों मैंने कहा बता दूं, फाइंड नहीं लगेगा इस पर, फाइंड 1 लगेगा राइट। ठीक है फाइंड 1 लगेगा। अच्छा फाइंड बाई ID भी इसमें होता है क्या, नहीं फाइंड बाई ID नहीं होता इसमें। ठीक है फाइंड 1 इसमें लगेगा। अच्छा फाइंड में और फाइंड 1 में डिफरेंस क्या है कि फाइंड क्या करता है उसको जो भी मैं क्राइटेरिया देता हूँ ना, फाइंड जो होता है जो बगैर 1 वाला, ये वाला जो ये जो फाइंड है मेरा भाई, ये क्या करता है जिसको क्राइटेरिया जो दिया जाता है, क्राइटेरिया मतलब, क्राइटेरिया का मतलब है ये जो मैंने बात जेसन में यहाँ पे लिखी है कि ID इक्वल्स टू दिस 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 होनी चाहिए, ये जो क्राइटेरिया मैंने दिया है इसको लेके जाता है डेटाबेस में और डेटाबेस के शुरू से लेके आखिर तक पूरे में तलाश करता है। मिसाल के तौर पे अगर डेटाबेस में मेरे 100,000 डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये 4th-5th नंबर पे इसको ये ID मिल जाती है, लेकिन ये फिर भी आखिर तक आइट्रेट करता है, तलाश करता है कि इस क्राइटेरिया पे कोई और डॉक्यूमेंट भी अगर फिट है तो उसको भी लाता है फिर ये। जबकि मुझे पता है कि मेरी जो अंडरस्कोर ID है वो यूनिक है, वो एक मिल गया तो दोबारा मिलने का चांस नहीं है फिर, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं इसमें फाइंड 1 लगाते हैं। फाइंड 1 क्या करता है, जो भी क्राइटेरिया इसको दिया जाए, ID की बात नहीं कोई भी क्राइटेरिया इसको दूं मैं, तो जैसे ही उस क्राइटेरिया का पहला डॉक्यूमेंट पकड़ में आता है ना वहीं से लौट जाता है, पूरे आखिर तक डेटाबेस पे वो रन नहीं करता। तो उससे होता ही है कि हमारी कुछ रिसोर्सेज जो बच जाती हैं ज़रा, तो फाइंड 1 से। अच्छा और फाइंड 1 की अच्छी बात यह है कि फाइंड 1 जो मुझे चीज़ रिटर्न करता है ना वो मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है, कर्सर रिटर्न नहीं करता। जैसे कि पहले मेरे पास कर्सर आता था ना फाइंड में, जो कर्सर आता था क्योंकि वो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं तो इसलिए वो जो कर्सर दे देता है मुझे, तो इसमें कर्सर नहीं आता, इसमें आता है डायरेक्ट रिजल्ट। तो मैं क्या करूँगा इस पूरे को यहाँ से कट करके, ठीक है कर्सर की तो बात ही ख़त्म हो गई, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट हो गई। ठीक है जो कलेक्शन डॉट फाइंड 1 लगाऊंगा मैं और इस पर अवेट करके डायरेक्ट मुझे ये डॉक्यूमेंट देगा। ठीक है अगर इस पर मैं रिजल्ट पे हाथ रखूँ तो देखो मुझे बता रहा है कि यार यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, और इसको मैं रिजल्ट को जब कौन, अच्छा रिजल्ट में फिर S नहीं लगाऊंगा मैं होपफुली। ठीक है S क्योंकि मैं किसके साथ लगाता हूँ, एरे के साथ लगाता हूँ, कन्वेंशन है कि जिस वेरिएबल के नाम में S लगा हुआ होगा उसको एरे समझा जाता है, देखने वाला समझेगा एरे ये, तो इसलिए मैंने S हटा दिया। और ये जी मेरा क्या हो गया, वो हो गया गेट सिंगल पोस्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अच्छा उसके बाद एडिट वाला अब काम है हमारे पास। एडिट वाले काम में हमने क्या करना है, पहले तो तीनों चीज़ें मुझे चाहिए यूज़र से। अच्छा आया कि मुझे तीनों चाहिए या तीनों में से कोई एक भी मिल जाए तो इनफ होता है, यानी REST API के अंदर आमतौर पर ये होता है कि हमें बॉडी के अंदर हम वो वाली कीज़ भेजते हैं जो हमने अपडेट करनी है, जो हमने अपडेट नहीं करनी वो की हम भेजते ही नहीं है। उससे क्या होता है ज़रा मिसाल के तौर पर अभी तो 3 ही कीज़ है ना मेरे पास, कल को 300 भी हो सकती है, तो मैंने सिर्फ नेम अपडेट करना है तो मैं सिर्फ नेम भेजूंगा, बाकी तमाम का तमाम नहीं भेजूंगा। ठीक है अभी तो फिलहाल के लिए हम ये कर रहे हैं वेरिएबल से जो हमने किया था लास्ट, उसमें हम ये करते थे कि तीनों चीज़ें भेजते थे और तीनों के तीनों को रिप्लेस मारते थे पूरे को। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते,
क्यों आमतौर पे जो MongoDB का डॉक्यूमेंट है, मिसाल के तौर पे एक यूज़र बना हुआ है, अब यूज़र के अंदर पता नहीं 300 कीज़ होंगी, 400-500 प्रॉपर्टीज़ होंगी अलग अलग, उसका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस अभी वैलिड है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होंगी उसकी ना, ठीक है। तो अब अगर हमने ये करना शुरू कर दिया कि जब भी अपडेट करना हो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मांगूँ, अब पता चला वो फ्रंट एंड पे पता ही नहीं है मुझे कि उसमें और क्या क्या पड़ा हुआ है, मैंने भेजी 6 प्रॉपर्टीज़ तो 6 रखा गई, बाकी सारी उड़ा दी उसने। तो ये काम हमने हमेशा किस तरह करना है, जो की अपडेट करनी है ना वही की मुझे मिलेगी, उसके अलावा कोई की मुझे मैं एज्यूम करूँगा कि नहीं मिल रही है मुझे। अच्छा, तो इसके लिए मुझे ये क्राइटेरिया वैलिडेशन का ज़रा चेंज करना होगा। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे कि आया कि नॉट पोस्ट आईडी एंड नॉट टेक्स्ट नॉट टाइटल, ये तीनों चीज़ अगर अनडिफाइन मिली ना मुझे, फिर मैं बोलूँगा कि यार रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, ठीक है। क्या था मेरे पास, पोस्ट आईडी, अच्छा पोस्ट आईडी तो मुझे वो मिल रही है ना यूआरएल में, तो यहाँ पे पकड़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूआरएल में जो चीज़ मुझे मिल रही है वो जब तक यूआरएल में होगा नहीं ना, अगर बंदे ने /API/V1/post अगर यहाँ तक हिट किया तो ये API हिट होगी नहीं मेरी वाली, उसके लिए मुझे स्लैश यहाँ पे पोस्ट आईडी लगानी ही पड़ेगी, जब ही जाके ये हिट होगा, अदरवाइज ये हिट होगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे इस वाले को वैलिडेशन में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस वाले को वैलिडेशन में पकड़ने की ज़रूरत अभी पड़ेगी मुझे, अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, बल्कि इसी को ही पहले देख लेते हैं यार, ये जो गेट सिंगल पोस्ट है ना, जो मेरा ये पोस्ट आईडी, मैं क्या करता हूँ फाइंड वन में डालता हूँ ये आईडी, ये वाली आईडी, और डॉक्यूमेंट को ढूंढ के मैं ले आता हूँ। अब देखो होता क्या है, आ जाओ ज़रा पोस्टमैन खोल लेते हैं। अब यहाँ पे ना एक मसला होगा अभी हमारे पास, अच्छा ठीक है जी, ये B9 करके हमने बनाया हुआ था /API/V1/post, तो मैंने कहा जी गेट ऑल पोस्ट, क्या हुआ ये गेट ऑल पोस्ट में, अच्छा सर्वर चल ही नहीं रहा, सर्वर को ज़रा चला देते हैं हम। ठीक है, 3001 पे ये चल गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये इनिशियल वैल्यू 3001 थी, लेकिन करंट वैल्यू 3000 है, तो इसको मैंने चेंज करना है, क्योंकि अभी मैं हिट करूँगा तो ये 3000 पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, करंट वैल्यू जो होती है ना उस पर भेजता है। मैं इधर क्लिक करूँगा यहाँ इस कोने पे, और यहाँ पे आके इसको मैं 3001 कर दूँगा और एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो अब मुझे करंट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में दोनों में 3001 दिख रहा है। अब मैंने किया गेट ऑल पोस्ट, तो मेरे पास ये वो तमाम पोस्ट हैं जो मेरे पास इस वक्त डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पोस्ट को गेट करता हूँ जिसमें फराज हेयर लिखा हुआ है, इस पोस्ट को गेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा गेट अ पोस्ट विथ आईडी, ऑब्वियसली इसी पे जाऊँगा, यहाँ पे वो मैंने आईडी लिखी, आईडी बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, हिट किया, ये डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये MongoDB की जो आईडी है ना मेरा भाई, इसका है एक पैटर्न, और इसका ये जो नंबर, यानी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ये सर्टन कैरेक्टर है, अगर मैंने एक कैरेक्टर कम कर दिया इसमें से, तो नाउ दिस इज़ एन इनवैलिड आईडी, ये MongoDB की डॉक्यूमेंट आईडी इनवैलिड हो गई अब, ठीक है। तो जैसे ही मैं अब इसको हिट करूँगा ना, वो मुझे क्या बोलेगा, मुझे बोलेगा सर्वर एरर, और जब यहाँ पे जाके मैं देखूँगा तो ये मुझे क्या बोलेगा, अगर ये मुझे बोलेगा कि जो है ना ये बीसन एरर आ गया, एक तो जेसन होता है ना, एक बाइनरी जेसन होता है, बाइनरी फॉर्म होती है जेसन की, तो उसको बीसॉन कहते हैं, जो MongoDB का डेटा सेव होता है वो बीसॉन में सेव होता है। तो वो कह रहा है भाई बीसॉन एरर हो गया, और आर्ग्यूमेंट पास्ट मस्ट बी अ स्ट्रिंग ऑफ 12 बाइट और अ स्ट्रिंग ऑफ 24 हेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, 24 कैरेक्टर का जो है ना उसको वो कह रहा है मुझे चाहिए, और इंटीजर या तो हो या तो 12 बाइट का हो, ये वो सारे पैटर्न्स हैं जो जिसमें वो आईडी जनरेट करके देता है, तो ज़ाहिर है उसी पैटर्न में वापस मांग रहा है वो। अब ये तो मसला हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैं पैराम्स में ये आईडी पकड़ता हूँ ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि आया कि ये यूज़र ने जो आईडी भेजी है वो आया कि MongoDB की वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी है या नहीं है। डॉक्यूमेंट उस आईडी के अगेंस्ट मिलता है या नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन वो आईडी का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न मैं चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करूँगा भला, मैं यहाँ पे एक और इफ़ लगाऊँगा ऐसे चुन्ना मुन्ना सा, और मैं क्या बोलूँगा कि जी
ऑब्जेक्ट आईडी जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ था ये वही ऑब्जेक्ट आईडी है, राइट? यानी जिससे जो जो क्लास है असल में ये इस पर हाथ रखता हूँ ना, ये क्लास है, ठीक है, इसको न्यू के साथ में कॉल करता था, इस पर डॉट लगाऊंगा और एक स्टेटिक वैल्यू है इज वैलिड, और इस वैलिड मुझे इस वैलिड पे हाथ रखूंगा मुझे बूलियन देता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो इस वैलिड में या तो ट्रू या तो फॉल्स मुझे ये दे देगा। मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी और इसको मैंने यहाँ पे चेक, अच्छा इस वाले को बाय द वे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसके वो तो मैंने नंबर चेक किया हुआ था ना, तो ये यू आर एल मिलेगा तो सही है, जब तक ये मैं पास नहीं करूँगा ये ए पी आई हिट नहीं होगी, ठीक है, तो पास तो मुझे ये करना लाजमी पड़ेगा, लेकिन वंस वो पास हो जाता है तो फिर उसमें है क्या। तो मैंने कहा कि नॉट, यानी इतना पार्ट अगर मुझे इस वैलिड में क्या देता है, अगर मुझे फॉल्स दे देता है अगर, तो मैं नॉट लगा के उसको ट्रू करता हूँ ताकि मेरा ये वो हो जाए, ठीक है। पोस्ट आई डी मस्ट बी अ वैलिड मोंगो डी बी डॉक्यूमेंट आई डी, सही है क्या, मुझे ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, सही है, गुड। पोस्ट आई डी मस्ट बी अ वैलिड पोस्ट आई डी, सही है, बस ये मुझे इतना बता दूँ। अरे ये क्या लिख दिया मैंने उसको, वेल वेल वेल, इनवैलिड पोस्ट आई डी ऐसे लिख देता हूँ मैं, सही है, सिंपल सी मैंने छोटी सी बात लिख दी, इनवैलिड पोस्ट आईडी। अब क्या होता है जी कि अगर मैं यहाँ से इनवैलिड पोस्ट आईडी भेजता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे पकड़ के बता देता है कि इनवैलिड है, और अगर मैं इसको सही पोस्ट आईडी भेजता हूँ तो ये मुझे, अब क्या मसला हो गया, मेरी ऐप क्रैश कैसे हो सकती है यार, कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट। अच्छा क्या होता है कि जब यहाँ पे से मैं रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिटर्न भी कॉल करना है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कॉल नहीं करता हूँ तो क्या होता है, ये कोड की एग्जीक्यूशन यहाँ रुकती नहीं है बल्कि वो आगे चल पड़ती है, आगे चल पड़ती है तो मेरा कोड क्रैश हो जाता है फिर आगे जाके, इसलिए मैंने रिटर्न यहाँ पे लाजमी कॉल करना है, अगर मैं रिटर्न कॉल नहीं करूँगा तो मेरा कोड इसी तरह क्रैश हो जाएगा जैसे अभी हुआ था। दोबारा मैं इसको इनवैलिड आई डी देता हूँ, इनवैलिड आई डी मैं इसको दोबारा देता हूँ, ठीक है, इनवैलिड आई डी दो बार तीन बार चार बार देता हूँ, अभी मेरा कोड क्रैश नहीं हुआ है, ठीक है, कोड सही वाला देता हूँ, डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है, तो अब मेरा कोड क्रैश नहीं हो रहा क्योंकि अब मैंने प्रॉपर उसकी हैंडलिंग कर ली है। अच्छा तो ये वाला जो काम है ना मेरा ऑब्जेक्ट आईडी को जो चेक करने वाला काम, ये मुझे अब हर जगह कराना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे मैंने इस आईडी को इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको ज़रा कॉपी करके ना अब कहाँ ले आता हूँ, जो अपडेट वाला काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, ऐसे अपडेट में भी मुझे ये पोस्ट आईडी मिलती है और इनवैलिड पोस्ट आईडी होने की सूरत में मुझे यहाँ से भी भगाना है इसको। उसके बाद मैंने बोला कि अगर टेक्स्ट भी अनडिफाइन हो और टाइटल भी अनडिफाइन हो तो फिर आप बोलोगे कि भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, सही है, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग बोलोगे आप, एटलीस्ट वन की इज़ रिक्वायर्ड, ये अपने सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन कर दी कि भाई एक की एटलीस्ट आपने भेजनी ही भेजनी है, ठीक है, एटलीस्ट वन की इज़ रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल बॉडी मैंने दे दी कि भाई टाइटल और टेक्स्ट, तो इन दोनों में से कोई एक मुझे देना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकता कि दोनों ही ना दूँ, जो अपडेट करना है मैं सिर्फ वो वाला दूंगा और नहीं दूंगा। अच्छा ये जो मैंने फॉर लूप घुमाया है इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉर लूप घुमा के मैं अपडेट करता था, रैदर अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वो MongoDB की वो क्वेरी लगाऊँगा, कौन सी क्वेरी लगाऊँगा, जो अपडेट की क्वेरी है, जो पोस्ट करते हुए मैं करता हूँ ना सेम उसी तरह से अपडेट की भी क्वेरी है, ठीक है, ये अच्छा ये पूरा ट्राई कैच ही उठा लेता हूँ मैं क्योंकि जाहिर है वो काम भी ट्राई कैच में ही करूँगा मैं, गेट वाला काम मैंने ट्राई कैच में किया है, हाँ किया, सही है ना, ट्राई लगाया और कैच के अंदर उसको पकड़ा हुआ, सही है, इसी तरह ये वाला काम भी मैंने ट्राई कैच में किया है, हाँ ट्राई कैच में किया। अच्छा ये मेरी वैलिडेशन हो गई भाई, यहाँ पे वैलिडेशन के फौरन बाद अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा ट्राई कैच का ब्लॉक लिखूँगा, अवेट एरर दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन एसिंक नहीं है, एसिंक बना देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा इंसर्ट होता था, अब मैं क्या करूँगा, कॉलम डॉट अपडेट वन हो गया,
सही है, अपडेट वन पे मैं हाथ रखूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या कह रहा है, पहले फिल्टर दें आप, यानी क्राइटेरिया दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में मैं बता देता हूँ कि भाई अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू क्या हो जाए मेरे पास, जो है ना, अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू हो वो ऑब्जेक्ट आई डी के, ऑब्जेक्ट आई डी, और इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पोस्ट आई डी। सही है, क्राइटेरिया ये दे दिया मैंने। हाँ हाँ, न्यू भी लगेगा, यस सही है, ये मैंने दे दिया। अच्छा, अब सेकंड पैरामीटर इस अपडेट वन को क्या चाहिए, सेकंड पैरामीटर चाहिए वो अपडेट का ऑब्जेक्ट, जो मैंने वो करना है। ठीक है, अपडेट का ऑब्जेक्ट पास करने का जो तरीका है इसके अंदर वो क्या है, कॉमा डालूंगा मैं, एक और ऑब्जेक्ट दूंगा ऐसे, और एक और ऑब्जेक्ट दे के मैं लिखूंगा डॉलर सेट, ठीक है, कॉलन, और पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे पास करना है। ठीक है, अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं ऐसे करके दूंगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ना ऐसे नहीं दूंगा मैं ज़रा पहले ना एक इफ एल्स लगा के ये ऑब्जेक्ट तैयार कर लूँगा। मैं बोलूँगा कि यार लेट डेटा टू बी अपडेटेड इक्वल्स टू, ऐसे मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं बोलता हूँ कि यार इफ अगर जो है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट अगर है, ठीक है, अगर होगा तो जब ही चलेगा, तो क्या करो डेटा टू बी अपडेटेड के अंदर ना डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या कर दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट। सही है, और यही सेम चीज़ मैं कहाँ पे करा दूंगा, टाइटल में भी। सही है, तो अब क्या होगा, ये दोनों इफ जब चल जाएंगे ना, तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर या तो एक की होगी या तो दोनों की होगी, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे क्या मिला है। और मैं ये डेटा टू बी अपडेटेड को ना पूरा यहाँ पे रखवा दूंगा ऐसे, मच बेटर वे। सही है, तो मैंने क्या दे दिया, अपडेट वन को पहला ये क्राइटेरिया दे दिया और दूसरा ये इसको मैंने अपडेट दे दिया। अच्छा, ये मैंने कहाँ से देख के किया है, डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ। आप लिखोगे MongoDB Node.js, सही है, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन इसकी ज़रा बेहतर है। एक तो डायरेक्ट आप जाते हो ना डॉक्यूमेंटेशन में, वो ज़रा ऐसे ही है। तो ये ज़रा क्विक स्टार्ट है यहाँ पे इसका, एक हम पहले एक डॉक्यूमेंट देख रहे थे ना, वो ज़रा उसमें चीज़ें मिक्स हुई भी हैं, पाइथन भी उसमें मिक्स है, पता नहीं वो सारी लैंग्वेजेस मिक्स हैं और सब कुछ इकट्ठे किया हुआ है। ये वाला जो है ना ज़रा यूजेज एग्जाम्पल, इसमें आप जाएंगे, एक तो क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट के बाद है यूजेज एग्जाम्पल, इसमें फाइंड की क्वेरी मौजूद है, इंसर्ट है, अपडेट है। ठीक है, फाइंड में जाता हूँ मैं, फाइंड अ डॉक्यूमेंट, अब कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे Node.js का ही कोड है, कोई और कोड यहाँ पे नहीं है। सही है, और अब मैं जाता हूँ फाइंड सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट में इन्होंने देखो बोला है फाइंड वन करोगे आप। सही है, और उसके बाद मल्टीपल डॉक्यूमेंट में जाता हूँ मैं, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट में ये कहता है कि भाई आपको मिलेगा कर्सर, है ना, मूवीज डॉट फाइंड, और कर्सर के ऊपर आप क्या करोगे, या तो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल करोगे, ठीक है, फॉर लूप लगा के, और या तो आप उसके ऊपर डॉट टू एरे कॉल कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका सही है। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाओगे, तो इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट में आप क्या करोगे भाई, आप क्लाइंट डॉट डीबी, डीबी डॉट कलेक्शन, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार करोगे जो आपने पुश करना है। ठीक है, कलेक्शन का नाम डॉट इंसर्ट वन, और ये मैंने लगा दिया। ठीक है, इंसर्ट वन के अंदर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो रहा होगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए जस्ट इंसर्ट मैनी उसके लिए इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, उसके बाद अपडेट पे आ जाते हैं, अपडेट सिंगल डॉक्यूमेंट, अपडेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट, अपडेट अ सिंगल डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ। तो उसमें इन्होंने बोला कि यार आप क्या करोगे, आप जो है ना ये बनाओगे अपडेट वाला डॉक्यूमेंट पूरा आप तैयार करोगे, अपडेट वन लगाओगे, पहले फिल्टर दोगे आप, और उसके बाद अपडेट वाला डॉक्यूमेंट दे दोगे। उसके बाद ऑप्शंस भी एक इसके अंदर मौजूद है, ऑप्शंस में इसने लिखा है अपसर्ट ट्रू। अपसर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट मौजूद है तो उसको अपडेट कर दे, अगर मौजूद नहीं है तो क्रिएट कर देगा नया। ठीक है, अपसर्ट क्या है, अपडेट और इंसर्ट दो वर्ड्स को मिला दिया इन्होंने। ठीक है, अपडेट और इंसर्ट को, तो इसका वो मिला के अपसर्ट कर दिया, तो अगर डॉक्यूमेंट मौजूद होगा तो उसको वो जो है ना अपडेट कर देगा, अगर मौजूद नहीं होगा तो उसको वो इंसर्ट कर देगा, यानी कि नया डॉक्यूमेंट वहाँ पे बना देगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सारा का सारा कोड हम जो है वो देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कोड। अपसर्ट ट्रू इसने लिखा है ना, अपसर्ट का काम ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट मिल गया उसको तो उसको वो अपडेट कर देगा, अगर नहीं मिला तो उसका डॉक्यूमेंट बना देगा।
नहीं न्यू इसी पे बना देगा। अगर मैं उसको एक ऐसी आईडी देता हूँ ना, जिस आईडी है तो वैलिड आईडी, लेकिन उस आईडी के अगेंस्ट कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो उसको क्रिएट मार देगा, क्रिएट कर देगा उसको अपसर्ड ट्रू करने की सूरत में, ये जो अपसर्ड ट्रू किया। ठीक है, अच्छा ये हर डेटाबेस में होता है बाय द वे, डेटाबेस फंडामेंटल है। ठीक है, अपसर्ट की रिक्वेस्ट अलग होती है, इन्होंने ज़रा इस तरह से किया हुआ है, लेकिन अपसर्ट का जो ऑप्शन है ना, अपसर्ट का जो फीचर है, ये हर डेटाबेस में होता है, तो ये डेटाबेस फंडामेंटल है, ये आपको हर डेटाबेस में इसी तरह मिलेगा। अच्छा जी, तो ये मैंने कर दिया सेट। अच्छा, मैं अपसर्ट वगैरह नहीं मार रहा क्योंकि मुझे पता है यार इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट मुझे मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये मेरी जी अपडेट की रिक्वेस्ट कम्प्लीट हो गई। और अच्छा, पोस्ट क्रिएटेड नहीं, पोस्ट अपडेटेड लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब सही है, पोस्ट अपडेटेड कर दी मैंने यहाँ पे। और अब क्या रह गया लास्ट मेरा, अच्छा ये पोस्ट नॉट फाउंड की अब मुझे ज़रूरत नहीं है ये वाले की। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जी अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा ना, तो भी वो बोलेगा अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन यह जो अपडेट का जो रिस्पॉन्स है, इसको भी ज़रा मैं चेंज कर देता हूँ। अपडेट रिस्पॉन्स के अंदर ना जो मुझे चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी कि जी वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट देता है मुझे कि कितने डॉक्यूमेंट अपडेट हुए हैं इस क्वेरी के चलने के नतीजे में, तो वो मुझे ज़ीरो देगा, लेकिन वो देगा मुझे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स फिर भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं अपडेट वाला जो है ना डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना हुआ नहीं है, अपडेट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको मैंने कहा कि जी आप पुट की रिक्वेस्ट करोगे, और पुट की रिक्वेस्ट करने के साथ साथ बॉडी में मैंने रॉ करके और यहाँ पे जेसॉन करके एक डेटा भेजना है। डेटा कौन सा भेजना है, जो मैं पोस्ट क्रिएट करते हुए भेजता था। ठीक है, वही मैं अब पुट करते हुए भेजूँगा। ठीक है, आईडी मुझे ऐसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या भेजूँगा, सिर्फ यहाँ पे टाइटल और टेक्स्ट भेजूँगा, सिर्फ टाइटल भी भेज सकता हूँ मैं। अच्छा, कौन सी वाली मैंने अपडेट करनी है पोस्ट, यहाँ पे मैंने उसकी आईडी पास करनी है, तो ज़रा गेट ऑल पोस्ट वाले में वापस जाता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास सबसे पहला आ रहा है ना डॉक्यूमेंट जिसमें न्यू पोस्ट और सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी मैं आईडी उठाता हूँ यहाँ से और इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और ये कौन सा है मेरा पुट, ये वाला। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये मेरी आईडी है, और इसके अंदर जो है ना टाइटल मैंने क्या करना है, मैंने इसको करना है भाई दिस इज़ अ न्यू टाइटल, ये मैंने करना है, और सेंड का बटन दबा दिया मैंने। सेंड का बटन दबाते ही यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आया भाई पोस्ट अपडेटेड। यहाँ पे मेरे पास कॉन्सोल में क्या आया ज़रा वो देख लेते हैं। कॉन्सोल में देखो अपडेट रिस्पॉन्स के अगेंस्ट ना एक नॉलेज ट्रू किया इसने कि जी वो हो गया है जो करना था। मॉडिफाइड काउंट जो है वो वन हो गया, कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा था जो इस क्वेरी के चलने के नतीजे में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, अपसर्ट नहीं हुआ कोई भी, अपसर्ट का मतलब जो ट्रू अपसर्ट करवाया था ना उसने वहाँ पे, तो वो अपसर्ट अगर कोई होगा तो वो भी यहाँ पे शो होगा कि अच्छा जी वो डॉक्यूमेंट मिला नहीं था लेकिन मैंने क्रिएट कर दिया, तो वो भी इसने बोला कि भाई ज़ीरो है। अच्छा जी, तो ये मेरी जी अपडेट की रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसका नोट करूँ, मैंने API इसकी चेंज नहीं की है स्टिल, मैं फ्रंट एंड से जब हिट करूँगा ना ये चलेगा एज इट इज़ जैसे ये चलता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी API को चेंज नहीं किया, /post/post ID पहले भी यही आता था, अभी भी यही आता है, जो इसको तो फ्रंट एंड से हम कनेक्ट कर चुके हैं ना UI से, तो वो एज इट इज़ चलेगा वहाँ पे अभी दोबारा ये, अब जब मैं चलाऊँगा तो, क्योंकि मैंने सिर्फ इंजन के काम चेंज किए अंदर के, API मेरी सेम है, जो पहले हिट करता था URL अभी भी वही हिट करूँगा मैं। अपडेट वाले को रोक देता हूँ अब मैं यहाँ से। अच्छा, इसी तरह अब मेरे पास डिलीट एक मौजूद है, डिलीट में भी मैंने ऑब्जेक्ट ID को चेक करना है पहले, तो ज़रा मैं सबसे पहला काम जो डिलीट में ना मैं क्या कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ID को चेक करा लेता हूँ कि भाई इज़ वैलिड है, अगर इज़ वैलिड नहीं है तो यहीं से रिटर्न। उसके बाद ये फॉर लूप लगाया है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, मैं इसी डॉक्यूमेंट में आ जाऊँगा और डिलीट अ डॉक्यूमेंट में जाके, है ना, डिलीट अ डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे, और यहाँ पे देखूँगा कि डिलीट करना इन्होंने कैसे बताया। इन्होंने बोला भाई बस कलेक्शन का नाम और डिलीट वन करो आप और क्वेरी डालो इसके अंदर। आ जाते हैं जी हम, तो इसमें भी ऑब्वियसली ट्राई कैच का ब्लॉक बनेगा। ट्राई कैच का ब्लॉक मैं ज़रा यहाँ से उठा लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है।
ठीक है ये मेरा ट्राई कैच का ब्लॉक है, अब की बार मेरे पास क्या होगा, कलेक्शन डॉट डिलीट वन, और अंदर सेम उसी तरह से मैं आईडी दूंगा, सेकंड पैरामीटर इसको नहीं चाहिए, दैट्स इट। ठीक है हो गया मेरा ये काम, इसको एसिंक ज़रा बना देते हैं, ये हो गया। अच्छा इसको ज़रा मैं सिंगल लाइन में कर देता हूँ, ये तीन चार लाइनों में हुआ है, अरे सिंगल लाइन में क्यों नहीं हो रहा, सही है मैंने इसको ज़रा क्या कर दिया, सिंगल लाइन में कर दिया कि जी कलेक्शन का नाम डॉट डिलीट वन, और उसके अगेंस्ट मैंने ये सामने आईडी पास कर दी है क्राइटेरिया में कि आईडी इक्वल टू दिस दिस आईडी हो तो उसको डिलीट करना। ठीक है डिलीट वन लगाया, पहला जैसे ही मिलेगा इस क्राइटेरिया पे डॉक्यूमेंट उसको डिलीट करेगा, वहीं से वापस आएगा पूरा आखिर तक ये नहीं जाएगा। ठीक है इसको भी मैं ज़रा डिलीट रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ठीक है डिलीट रिस्पॉन्स में वही आएगा कि काउंट बताएगा कि कितने डिलीट हो गए। ठीक है पोस्ट डिलीटेड राइट, और एरर डिलीटिंग, ये मैं कॉन्सोल पे लिख रहा हूँ, सर्वर का जो रिस्पॉन्स है उसमें स्टिल मैं नहीं बता रहा, मैंने कहा भाई सर्वर एरर, और ये पोस्ट नॉट फाउंड की अब मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें हैंडल हो जाएगा। ठीक है अच्छा अगर डिलीट वाले केस में ना अगर उस आईडी से पोस्ट नहीं मिलती है तो भी ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स देगा, बोलेगा भाई हो गया डिलीट, लेकिन काउंट में वो जीरो बता रहा होगा कि यार कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है तो चाहे तो उसकी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जी डिलीट रिस्पांस में वो डॉट काउंट है, अगर वो जीरो है तो मैं उसमें बोल दूं भाई पोस्ट नॉट फाउंड, इस तरह की बात कर दूं मैं, कोई चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल है अभी शॉर्ट रखते हैं कोड को ज़रा। डिलीट मेन्यू में वो जो है देख लो क्या करेंगे, मल्टीपल आईडीज देंगे उसको, नहीं नहीं क्राइटेरिया दूंगा मैं, देखो इसने बोला है कि क्वेरी क्या हो, टाइटल इक्वल्स टू हो रेगुलर एक्सप्रेशन सांता। ठीक है अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो इसने दिया ना सांता, इसका मतलब है कि ऐसा टाइटल के अंदर ऐसा जुमला लिखा हो जिसमें सांता आता हो कहीं ना कहीं, तो ऐसे जितने पोस्ट मिलेंगे सबको उड़ा देगा ये। या मैं ये बोलूँ टाइटल को ये हटा दूँ मैं पूरा, इसकी जगह मैंने बोला कि एज इक्वल्स टू और मैं बोलूँ 18 यहाँ पे, तो एग्जैक्टली 18 जिन जिन का होगा सबको उड़ा देगा। फिर मैं बोलूं कि एज और यहाँ पे मैं बोलूं LT लेस देन और मैं यहाँ पे बोलूं 20, तो वो लेस देन 20 के जितने इनकाउंटर होंगे सबको उड़ा देगा। ठीक है तो डिलीट मैनी में ये काम होगा, स्टिल मैं ये काम डिलीट वन में भी कर सकता हूँ, मैं अगर लिखूँगा ना कि एज और डॉलर LT और 20 यहाँ पे चलेगा, उसमें भी ये क्वेरी, लेकिन वो क्या करेगा, वो इस क्राइटेरिया पे जो पहला डॉक्यूमेंट मिलेगा ना उसको डिलीट करेगा, वहीं से वापस आ जाएगा, आखिर तक नहीं जाएगा, ये जाएगा आखिर तक। क्लियर चैट, आप इसको एम्प्टी जब रखोगे ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट अगर रखोगे आप तो वो सब उड़ा देगा फिर, लेकिन ऐसा हम करते नहीं आमतौर पर। ठीक है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन चाहो तो कर सकते हो बिल्कुल। दोस्त ने सवाल पूछा है कि अगर मैंने ऐसा क्राइटेरिया बनाना हो जिसमें सारे ही डॉक्यूमेंट मैच कर जाए तो वो कौन सा होगा, वो होगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख के मैं गेट करूंगा तो सारे आएंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख के मैं डिलीट करूंगा तो सारे डिलीट होंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट अगर मैं क्राइटेरिया डालूंगा अपडेट करने के लिए तो सारे ही अपडेट हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये वाला हिसाब किताब है, क्या कर दिया मैंने, ओके डिलीट हो गया हमारा कंप्लीट। डिलीट को ज़रा यहाँ पे एक बना लेते हैं इसका, अपडेट अ पोस्ट विथ आईडी, और इसी की अब मैं कॉपी बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ कि भाई डिलीट अ पोस्ट विथ आईडी। ठीक है इसमें मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है डिलीट अ पोस्ट करने में, मैं जस्ट इसमें क्या लिखूँगा, मैं इसमें जस्ट लिखूँगा कि जी आईडी हमारी क्या है, मिसाल के तौर पे ये जो मैंने अभी अभी पोस्ट अपडेट की थी ना, गेट ऑल पोस्ट करता हूँ ज़रा देखता हूँ ये अपडेट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, हाँ भाई ये अपडेट तो हो चुकी है, तो इसी को ज़रा डिलीट करने की अब कहानी करते हैं। इसको मैंने इसकी आईडी को पकड़ा और आईडी पकड़ के मैं गया डिलीट में, और डिलीट में जाके मैंने ये आईडी पेस्ट की और हिट किया तो ये क्या हो गया, पोस्ट डिलीटेड। अब बावजूद इसके कि ये पोस्ट डिलीट हो चुकी है, अब ये गेट ऑल में मुझे मिलेगी नहीं, सही है दिस इज़ अ न्यू टाइटल, अब गायब हो चुका है, मैं अभी दोबारा सेंड करूँगा ये बोलेगा डिलीटेड,
डिलीटेड डिलीटेड, लेकिन अब की बार क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डिलीट काउंट जीरो आ रहा होगा। देखो डिलीट काउंट जीरो आ रहा है, इससे पहले क्या आया था डिलीट काउंट में ना, इससे पहले वो काउंटिंग लिखी हुई आई होगी, ये रहा डिलीट काउंट वन आया था इससे पहले जब वो एक्चुअल में डिलीट हुआ था। ठीक है, तो मैं जीरो पे कोई कंडीशन लगा के ज़रा मैसेज चेंज कर सकता हूँ रिस्पॉन्स का अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन मेरा ख्याल है फिलहाल अभी कोड को हम शॉर्ट और स्वीट रखना चाह रहे हैं तो वो काम अभी हम नहीं करते। सही, अगर मैं इसको गलत आईडी देता हूँ तो वो वैलिडेशन मैंने लगाई हुई है बता देगा भाई इनवैलिड पोस्ट आईडी। सही है, इनवैलिड पोस्ट आईडी करके मुझे इसने बता दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमारा ये क्रड ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पब्लिक के फोल्डर में जो ये पड़ा हुआ है index.html, हमारा ये सर्वर कौन से पोर्ट पर चल रहा है, 3001 पे चल रहा है ना, तो 3001 पे ये मुझे फ्रंट एंड मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी वो करड ऑपरेशन पूरा एज इट इज़ चलना चाहिए, जैसे मैंने वेरिएबल से चलाया था ना, सेम उसी तरीके से अभी भी चलेगा क्योंकि मैंने API को तो चेंज किया ही नहीं है ना, API तो मेरी सेम है। सही है, देखो सारी पोस्ट यहाँ पे आ रही है, शो हो रही है। अच्छा, अब मैं अगर एक नई पोस्ट इसमें से ऐड करता हूँ, मैंने कहा कि भाई दिस इज़ अ पोस्ट और इसके अंदर मैंने QQ लगा दिया टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, और मैं सबमिट करता हूँ इसको, तो ये पोस्ट क्रिएट हो गई और ये सबसे लास्ट में मुझे दिख रही होगी होपफुली, या लास्ट में दिख रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने सॉर्ट नहीं किया इसको मंगवाते हुए। ठीक है, आइडियली मुझे करना क्या चाहिए कि जब मैं पोस्ट को मंगवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस पर मैं सॉर्ट अप्लाई करूंगा और रिवर्स ऑर्डर में इसको मैं मंगवाऊंगा। ठीक है, ये काम कैसे होगा आ जाते हैं देख लेते हैं, यहाँ पर सॉर्ट करके आ रहा होगा कहीं ना कहीं। डिंग 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 डिंग, ऑपरेटर्स में होगा होपफुली। अरे यार क्या बकवास हो, MongoDB सॉर्ट नॉट JS मैंने लिख दिया है, तो ज़रा डायरेक्ट आ जाते हैं अब। ठीक है जी, सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या बताया इसने, इसने बोला है कि भाई कलेक्शन डॉट फाइंड जो लिखते हो ना आप, उसी के आगे डॉट लगाओ और सॉर्ट करो आप। ठीक है, और सॉर्ट जिस भी की से करना है वो की का नाम लिखो और सॉर्ट बता दो, वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इनके केस में इन्होंने बताया लेंथ, क्योंकि इन्होंने जो डेटा इंसर्ट किया ना, इस डेटा में देखो एक लेंथ नाम की एक चीज़ मौजूद है, ये देखो लेंथ नाम की एक की मौजूद है, इसमें क्या है नेम है, ऑथर है और लेंथ है, बुक है शायद, ये बुक के पेजेस को वो लेंथ कह रहा है। हमारे केस में हमने ऑर्डर बाई किससे करना है, हमारे केस में हमारे पास दो तीन चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सही है। अच्छा, नंबर एक चीज़ तो क्या हो सकती है कि पोस्ट को क्रिएट करते हुए ना, मैंने वो नहीं इसमें लगाया, क्रिएटेड ऑन नहीं लगाया, टाइम मुझे लगाना चाहिए असूलन कि जी वो जो सर्वर का टाइम है ना वो मैं यहाँ रखूँ कि क्रिएटेड ऑन फला फला टाइम पे ये क्रिएट हुआ। ठीक है, तो एक तो वो हो सकता है कि मैं डेट से उसको सॉर्ट करके मंगवा लूँ, लेकिन मेरे पास, अच्छा इस आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा ही देता हूँ, इसको क्यों रखा हुआ हमने अभी तक। मेरे पास जो अंडर स्कोर आईडी खुद से जनरेट होती है ना, वो सॉर्टेड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। पोस्ट जो मैं करता हूँ, नई पोस्ट जो मैं क्रिएट करता हूँ, वो डेटाबेस में सबसे लास्ट में जाके पुश होती है और उसके ऊपर जो आईडी जनरेट होती है वो बाकी तमाम पहले जनरेट हुई भी आईडी से बड़ी आईडी होती है, लेक्सिकल ऑर्डर में वो बड़ी होती है। लेक्सिकल ऑर्डर समझते हो ना, क्या होता है लेक्सिकल ऑर्डर, अबे किसी को भी नहीं पता है लेक्सिकल ऑर्डर। हमने डिस्कस किया था जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, उस वक्त डिस्कस किया था, कंपैरिजन ऑपरेटर जब पढ़ रहे थे उस वक्त किया था, कोई भी नहीं था क्या उस क्लास में। लेक्सिकल ऑर्डर हम कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर को, जैसे डिक्शनरी ऑर्डर में कैट पहले आता है या डॉग पहले आता है, कैट पहले आता है क्योंकि वो सी से शुरू है। ठीक है, अच्छा कैट पहले आता है या कट पहले आता है, इसमें भी कैट पहले आता है क्योंकि सी यू बाद में सी ए पहले है, तो ये लेक्सिकल ऑर्डर कहते हैं उसको। ठीक है, या जैसे जो नंबर्स हैं, अगर मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्म में एक नंबर लिखा हुआ है 2000, एक नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 431, तो अब इसमें से लेक्सिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा, 2000 पहले आएगा, 431 बाद में आएगा। ठीक है, तो लेक्सिकल ऑर्डर इस चीज़ को हम कहते हैं जो डिक्शनरी ऑर्डर बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑर्डर फिर अलग होता है, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग उसको कहते हैं, उसको हम लेक्सिकल नहीं कहते। ठीक है, तो वो अलग होता है क्योंकि ये काइंड ऑफ एक स्ट्रिंग होता है, वैसे तो प्लेन स्ट्रिंग नहीं होता, ये होता है एक ऑब्जेक्ट, लेकिन लेक्सिकल ऑर्डर में क्या होता है, हर नई जनरेट होने वाली आईडी पहले वाली आईडी से बड़ी होती है लेक्सिकल ऑर्डर में। ठीक है,
तो अगर मैं सॉल्ट बाई करूँ ना अंडर स्कोर आईडी तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो गेट पोस्ट करता हूँ ना, तमाम पोस्ट को जो गेट करता हूँ, यहाँ पे मैं ये मेरे डॉट फाइंड के आगे ना मैं क्या करूँगा, डॉट सॉल्ट लगाऊंगा, और डॉट सॉल्ट लगा के मैं इस पर क्या रखूँगा, एक अदद एरे बनाऊँगा, और मुझे जिस चीज़ से सॉर्ट करना है मैं अंडर स्कोर आई डी उसका नाम लिखूँगा, ठीक है, कॉलन लगाऊंगा, और कॉलन लगा के या तो मैं वन लिख सकता हूँ या तो मैं माइनस वन लिख सकता हूँ। वन का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में, और माइनस वन का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं डेट लिखूँ यहाँ पे या मैं आईडी लिखूँ यहाँ पे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा कि जो सबसे जो लास्ट में हुआ है ना वो सबसे पहले करके दो मुझे। हाँ नहीं नहीं ये सही तरीका ही है, सॉर्ट करके मंगवाते हैं, सही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ पोस्ट, देखो सबसे टॉप पे आ गया, जो सबसे लास्ट में बना है ना वो सबसे टॉप पे आ गया। यहाँ से अब मैं कोई नई पोस्ट बनाता हूँ अगर, तो वो पोस्ट क्या होगी, वो सबसे टॉप पे मुझे दिखेगी, रिवर्स करके वो मुझे भेज रहा होगा, ठीक है। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ कि अब देखो नहीं ये तो पता नहीं 100 से ज़्यादा पोस्ट हो गई, अगर अगर 1 लाख हो गई, 1 मिलियन हो गई पोस्ट, वो तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, 1 मिलियन पोस्ट को लोड किया ना अगर उसने, तो मेरा रैम भी गया, मेरा सब कुछ गया, ठीक है, मेरा सर्वर भी गया, मेरा डेटाबेस भी गया, तो ये भी एक मसला है। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, सॉर्ट करने के साथ साथ क्या करूँगा, डॉट लिमिट करके भी एक चीज़ लगाऊँगा कि भाई डॉट लिमिट 100 लाओ भाई, मतलब इस सॉर्ट ऑर्डर में उठाओ इसको और लिमिट करके लाओ, 100 लाओ ज़रा, ठीक है। अब इसके 100 के आगे का कैसे लाऊँगा मैं, वो मैं पेजिनेशन करूँगा इंशाल्लाह। अब जो ये मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा, इससे पोस्ट तमाम पोस्टों को गेट करने से मुतालिक सवाल है तुम्हारा किससे? हाँ वो मैंने ये बताया था कि देखो जब यहाँ से मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ ना, अगर मैं तुम्हारे सर्वर पे भेजा है ना जब, तो अभी इस केस में मैं क्या करता हूँ, तमाम की तमाम पोस्ट को दोबारा गेट करता हूँ, लेकिन आइडियली ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक ही पोस्ट को गेट करूँ और उसको ये डॉम में मैं पुश करा दूं। भाई मुझे तो पता है ना मेरे डिव में किस तरह पुश होता है, सिंगल को पुश करा दूंगा मैं, बाकी को वैसे ही रहने दूंगा, समझ रहे हो, कर सकता हूँ मैं, आइडियली मुझे ये करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम सारी पोस्ट भी गेट कर लें तो कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है। अभी तो नेक्स्ट जेएस में उन्होंने पता नहीं क्या अजीब सी वो बात की, वो कहता है हर 10 सेकंड में पेज रिफ्रेश होगा, मैं तो सर पकड़ लिया सुन के, मैंने कहा यार ये क्या हरकत की, वो कहते हैं हर 10 सेकंड पर यार पेज रिफ्रेश होगा, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है जो उन्होंने बर्न मारा हुआ है। अब पता नहीं वो वैसे ही होता है या मैंने, अभी मैं नेक्स्ट जेएस को ज़रा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि अब जाके मुझे लगता है कि वो ज़रा सा स्टेबल हो गई, लेकिन अभी भी जब मैं उसको देख रहा हूँ तो ऐसे ऐसे बर्न है उसमें कि मेरे तो समझ नहीं आ रहा क्या सोच के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। वेल जब देखते हैं, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, पहले तो रिएक्ट पढ़ेंगे पूरा तसल्ली से, ठीक हो गया है जो मेक सेंस चीज़ है और जो चल रही है मार्केट में, बाकी नेक्स्ट जेएस का नाम चल रहा है सिर्फ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन उसमें बनी होगी, क्योंकि जिस तरह की उसमें हरकतें हुई भी हैं ना, तो बस पहला इंप्रेशन तो बहुत बुरा है। ठीक है अच्छा, अगर तो मेरे पास अभी 100 डॉक्यूमेंट है नहीं बाय द वे, तो जितने होंगे ले आएगा, अगर 100 से ज़्यादा हुए अगर, ठीक है, इस क्राइटेरिया पे, अभी तो मैंने क्राइटेरिया ना एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब सभी सबसे ही मैच हो जाएगा, अगर इस क्राइटेरिया पे अगर 100 से ज़्यादा हुए तो 100 ही लाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लाएगा, अगर तो हैं ही 4 तो 4 ही लाएगा, फिर तो 100 का सवाल नहीं है, ठीक है। और सॉल्ट करके लाएगा आईडी के थ्रू, बैकवर्ड सॉल्ट करके लाएगा, माइनस वन मैंने लिखा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा इसकी जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं एज लिख सकता हूँ इसकी जगह, यानी कोई नुमेरिक या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकता हूँ, अगर स्ट्रिंग होगा तो लेक्सिकल ऑर्डर में, नुमेरिक होगा तो नुमेरिक ऑर्डर में, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने बना लिया पोस्ट, आ जाते हैं अब यहाँ पे वापस। अब अगर मैं किसी को एडिट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस वाले को एडिट करता हूँ, मैंने कहा कि यार दिस इज एन एडिट और सेव का बटन दबाता हूँ, तो ये क्या हुआ, एरर हो गया सर्वर पे। हाँ यहाँ से मैं नैनो आईडी भेजता था ना, तो मुझे फ्रंट एंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसके लिए, कि भाईजान अब इसका नैनो आईडी नहीं भेजते हम, अब इसका अंडर स्कोर आईडी भेजते हैं,
सही है, तो जहाँ जहाँ पे ये आईडी, मैंने एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में था ना वो, तो हाँ बटन में था ये रहा, ये जहाँ जहाँ डॉट आईडी लगी हुई है ना वहाँ वहाँ मुझे डॉट अंडर स्कोर आईडी अब लगानी है। ठीक है, टोटल तीन जगहों पे ये लगी हुई है डॉट आईडी, तो मैंने इसको अंडर स्कोर आईडी कर दिया, दैट्स इट, इतना सा बस मैंने काम करना था, और कहीं पर तो ऐसा नहीं है कुछ भी। देखते हैं अब चल गया कि नहीं चल गया। सही है, एडिट हो गया, सिर्फ वो ज़रा की का नाम चेंज हो गया ना, पहले आईडी होता था अंडर स्कोर आईडी है, तो मैं ज़रा उसी के नाम से पकड़ूंगा उसको। अच्छा अब इसको मैं करता हूँ अगर डिलीट, तो डिलीट भी हो गया ये। सही है, डिलीट पे वैसे एक प्रॉम्प्ट पूछना चाहिए, एथिकली अच्छी बात नहीं होती कि बटन पे गलती से भी क्लिक हुआ तो उड़ गया। ठीक है, डिलीट को हमेशा मैं क्या करता हूँ, एक लेयर के अंदर छुपा के रखता हूँ एटलीस्ट। या तो देखो आपने फेसबुक की पोस्ट वगैरह में या ट्विटर में देखा होगा कि डिलीट का बटन इस तरह सामने नहीं होता, वो क्यों नहीं होता सामने, वो इसीलिए नहीं होता डिज़ाइन रीजंस की वजह से, यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, कि सामने होगा तो गलती से भी क्लिक हो सकता है। ठीक है, अगर लाइक के बटन पर गलती से क्लिक हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वापस क्लिक करोगे तो दोबारा ख़त्म हो जाएगा लाइक वो, लेकिन डिलीट के बटन पर गलती से क्लिक होना लीथल हो सकता है। तो क्या करते हैं, वो इस जगह पर ना थ्री डॉट लगाया हुआ होता है, उस थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो अंदर उसके डिलीट आ रहा होता है, तो गलती से दबने के चांसेस नहीं है। फिर अंदर डिलीट आ रहा होता है, फिर उस पर क्लिक करो तो एक दफ़ा और प्रॉम्प्ट पूछता है कि आर यू श्योर टू डिलीट, तो थ्री फोल्ड कर दिया इसमें उन्होंने। ठीक है, या तो फिर ये करते हैं कि जी कोई ना कोई ऐसी सेटिंग करते हैं कि डिलीट ज़रा मुश्किल से हो, अचानक गलती से डिलीट करने वाला ऑप्शन, या डिलीट के अलावा अगर कोई ऐसा है उसमें, कोई ऐसा है जो लीथल हो सकता है, तो वो फिर ज़रा उसको अंदर रखते हैं ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे फेसबुक में जब आप चला रहे होते हैं तो किसी भी पोस्ट पे आप शेयर का बटन दबाते हैं, जब तो शेयर का बटन दबाते ही वो डायरेक्ट शेयर नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट शेयर नहीं होती वो, क्योंकि वो लीथल हो सकता है। हाँ, MongoDB में शो हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे, ये आ गया ना मेरा MongoDB का क्लाउड। यहाँ पे मैं जाऊँगा कलेक्शंस में, और मेरा क्या था, क्रड था ना नाम इसका मेरे डेटाबेस का, ये रहा पोस्ट आ गई सारी, ये वो सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। सही है, ये मैंने जो अभी लास्ट ये रखा था ना क्यू लगा के पोस्ट मारा था, वो यहाँ शो हो रही है। अच्छा जी, ज़रा वो डेट रखवाने का भी इसमें देख लेते हैं। यार पता नहीं, डॉक्यूमेंट में आधी चीज़ें इधर हैं आधी चीज़ें उधर हैं, क्या इन्होंने किया है यार ये। अब इसमें डेट रखवाना है, इसने बताया ही नहीं इस जगह पे, अलग से लिख लेते हैं। चलो MongoDB date Node.js,
अब यहाँ पे ज़रा डेट भी रखवा देते हैं, जो नई पोस्ट मेरी क्रिएट होती है ना उसमें ज़रा डेट भी रखवा देते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो मुझे पहले याद नहीं थी, मुझे अब याद आई है। हाँ, डेट और टाइम असल में एक ही बात है। सर्वर की केस में जब भी मैं डेट की बात करता हूँ ना तो टाइम के साथ होता है, सिर्फ डेट अब अकेले नहीं करते हम, टाइम और डेट साथ में रखते हैं। अच्छा, सर्वर पे आया मैं, सर्वर पे आके मैंने क्या किया, पोस्ट डॉट एम जी एस, ये रहा पोस्ट आ गया ना मेरे पास। यहाँ पे मैं टाइटल रखवाता हूँ, टेक्स्ट रखवाता हूँ, उसके बाद मैं क्रिएटेड ऑन करके, और यहाँ पे क्या रखवाऊँगा मैं, आई एस ओ डेट करके ना, मैं मतलब डेट तो मैं वैसे भी रखवा सकता हूँ कि भाई न्यू और ऐसे करके डेट रखवाऊँ तो ये डेट रख देगा इसके अंदर, लेकिन अब ये डेट किस फॉर्मेट में मिलती है मुझे, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, किस फॉर्मेट में मुझे मिलती है ये मुझे नहीं पता। तो मोंगो डी बी के अंदर ना जैसे हम ऑब्जेक्ट आई डी को कन्वर्ट करते थे, इसी तरह इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास जो है ना वो मौजूद है आई एस ओ डेट, ये मुझे मिल रहा क्यों नहीं है, डी कैपिटल है, चलो इसको ऐसे लगा के देखते हैं ये क्या सीन है इसका। अच्छा, डेट का ये मोंगो डीबी ने अलग कहीं बनाया हुआ है हिसाब के बाद। आईएसओ डेट यहाँ आ तो रहा है लेकिन कैसे वो होगा ये नहीं बताया हुआ इन्होंने। अच्छा, आईएसओ डेट हेल्पर जो है वो मंगोश के अंदर मौजूद है, वो प्लेन मोंगो डीबी की लाइब्रेरी में नहीं है। प्लेन मोंगो डीबी में वो कह रहे हैं कि बस आप ना न्यू डेट करो, सही है, यानी जावास्क्रिप्ट वाले डेट को ही अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट वाले डेट को अगर अंडरस्टैंड कर रहा है तो ठीक है, हमें क्या मसला है, बस इसको न्यू डेट ऐसे करके देंगे तो ये खुद ही समझ जाएगा। हाँ, डेट का मतलब हमेशा डेट और टाइम दोनों होता है। ठीक है, अच्छा, मोंगो डीबी जो सपोर्ट करता है ना, यानी डेट को जिस फॉर्मेट में बोलता है कि सेव करो, क्योंकि डेट से बाद में क्वेरी भी लगती है, मैं बोलूँगा कि भाई 24 जनवरी 2022 से पहले पहले की सारी पोस्ट लेकर आओ, तो डेट से क्वेरी भी लगती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं डेट, वैसे तो मैं डेट स्ट्रिंग में भी रखवा दूँ कि भाई 24 जैन लिख दूँ मैं मिला के, लेकिन इस पर क्वेरी कैसे करूँगा फिर मैं। ठीक है, तो डेट के ऊपर ना क्वेरी भी लगती है, इसलिए डेट को मुझे उसी फॉर्मेट में सेव कराना है जिसमें मोंगो डीबी कह रहा है। ठीक है, मोंगो डीबी जो डेट को वो करता है ना, वो आई एस ओ फॉर्मेट में करता है। आई एस ओ फॉर्मेट ना कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, यहाँ देखो नीचे बता भी रही है, कुछ इस तरह से डेट सेव होती है। देखो इसमें इतना पार्ट जो है वो डेट है, उसके बाद लिखा हुआ है टी, और उसके बाद लिखा हुआ है टाइम, ठीक है, और उस टाइम के बाद लिखा हुआ है इसमें टाइम जोन, कि टाइम जोन कौन सा है, और टाइम जोन ना ये ज़ीरो करके सेट कराते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी सेव होता है मोंगो डीबी में डेट, तो टाइम जोन उसका ज़ीरो होता है, ज़ीरो, समझ रहे हो, हम इस वक्त जी रहे हैं +5 GMT में ना, कराची का जो टाइम जोन है वो +5 GMT है, लेकिन ये +5 जो वो ऑफसेट है, कहाँ का ऑफसेट है ये एक सिटी को सेंटर बनाया हुआ है कि यार यहाँ का जो टाइम है ना उसको GMT बोलेंगे, उससे हम 5 घंटे आगे हैं। कैनेडा वगैरह जो वो -8 है, -7 है, ठीक है, अमेरिका में कुछ जगह है वो -11 तक है, -10 है, -11 है, तो इसी तरह सऊदीया जो है हमसे वो 2 घंटे पीछे है, -2 है, तो हमारे यहाँ जब दोपहर के 2 बजते हैं तो वहाँ पे 12 बज रहे होते हैं दोपहर के। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं थोड़ा थोड़ा सा इनका टाइम का डिफरेंस है, तो इसमें जो हम सेव कराते हैं वो ज़ीरो पे सेव कराते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं 8:41 सेव कराऊंगा ना, तो ये +5 का टाइम है, उधर जाके क्या सेव होगा, उधर माइनस होके सेव होगा 5 घंटे, तो 3:41 PM सेव होगा एक्चुअली। ठीक है, देखते हैं करके कि क्या रिपोर्ट है। अब मैंने क्या किया, डेट के साथ सेव कराया, आ जाते हैं ज़रा मेरे फ्रंट एंड के ऊपर, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये क्या हुआ, ऐप क्रैश क्यों जा रही है मेरी बार बार। अच्छा, वो जो आईएसओ डेट मैंने ऊपर लिख दिया ना,
वो कह रहा है ISO डेट तो है ही नहीं, कहाँ से लाऊंगा ये। ठीक है, अब ये ज़रा क्रिएट न्यू डेट के साथ देखते हैं अभी क्या रिपोर्ट है इसकी। मैंने कहा कि भाई डेटेड पोस्ट सबमिट, ठीक है, पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये तमाम की तमाम पोस्ट मुझे वापस मिलती है। तो ये जो डेटेड पोस्ट है इसके अंदर मुझे डेट भी मिल रही है, देखो उसी फॉर्मेट में मिल रही है, ISO फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे 15:42 सेव हुआ है, यानी कि 3:42 सेव हुआ है PM। हालांकि मेरे पास क्या हो रहा है इस वक्त, मेरे पास हो रहा है 8:42। अच्छा, अब मसला ये है कि जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो क्या ये 3:42 डिस्प्ले होगा? नहीं होगा, ये होगा वही जो मेरे पास हो रहा है टाइम। मैं अगर डिस्प्ले कराऊंगा मेरे पास 8:42 डिस्प्ले होगा, ये जो एक्चुअल टाइम है। कैसे होगा वो, आ जाओ ज़रा मेरे फ्रंट एंड के ऊपर, अब इसको हम देखते हैं ये काम कैसे होता है। ये सारे फंक्शन को मैं कर देता हूँ ख़त्म। ये है ना मेरा वो कार्ड जिससे कार्ड रेंडर होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अदद मैंने एक पैराग्राफ बनाना है, टाइटल के फौरन बाद एक अदद मैं पैराग्राफ यहाँ पे और बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार क्या कर दो, ईच पोस्ट डॉट क्रिएटेड ऑन यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है, उससे होगा क्या, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये एज इट इज टाइम रेंडर हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कराना है। ठीक है, मैंने या तो इसको वो काम करना है ना कि कितने मिनट अगो, जो हम किससे करते थे ये काम, मोमेंट जेएस से करते थे, किया है ना सब लोगों ने वो अगो वाला जो करते थे हम, तो अगर उसमें मैं डालूंगा ना ये टाइम, तो वो तो उसको फौरन पार्स कर लेता है और वो समझ जाता है कितने मिनट पहले का टाइम है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं ज़रा सिंपलर अप्रोच की तरफ रहता हूँ। मैं उसको बोलूँगा कि यार आप क्या करो, आप करो न्यू डेट, और ब्रैकेट ओपन करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे करूँगा ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा ना न्यू डेट में कन्वर्ट करूँगा इसको मैं, ये मेरे पास क्या है, ISO स्ट्रिंग है। ये जो डेट का ऑब्जेक्ट है, अगर तो इसको खाली छोड़ता मैं, अगर तो इसको खाली छोड़ता तो ये क्या लाता है, करंट सिस्टम का टाइम लाता है, जो मेरे लैपटॉप में जो टाइम हो रहा है वो लाता है। लेकिन जब मैं इसको ये दूंगा ना इस तरह, मैं बोलूँगा यार ये टाइम है, तो वो क्या करेगा, इस टाइम को मेरे लोकल टाइम में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा लोकल टाइम में कन्वर्ट, मेरे सिस्टम की सेटिंग में कहीं ना कहीं ये बात मेंशन है कि मैं इस वक्त +5 GMT में मौजूद हूँ। ठीक है, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ सेटिंग से जाके। चेंज करने से क्या होगा, फिर वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। जबी ब्राउज़र में क्या होता है कि जब गूगल क्रोम में अगर टाइम सेट ना हो आपका, तो गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट खोलने नहीं देता, वो बोलता है यार पहले आगे टाइम सेट करो, सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 तरह की बातें करता है। ठीक है, तो यही वजह है कि टाइम आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एप्पल की जो अब नई डिवाइसेज है उसमें तो टाइम सेट करने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया इन्होंने, ये बोलता है भाई सर्वर का टाइम है वही रहेगा, आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। हाँ, टाइम जोन चेंज कर सकता हूँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कनाडा आ गया, तो वो कनाडा का टाइम शो कर देगा, दैट्स इट। ये वाला ऑप्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया एप्पल के डिवाइसेस से कि आप टाइम को जाके मैनुअली चेंज करोगे, वो अपना सर्वर है उसका, जैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है वहाँ से टाइम लेता है, दैट्स इट। बोलता है टाइम क्यों सेट करोगे आप, टाइम को सेट करने वाली चीज़ है। तो पहले के ज़माने में होता था वैसे ही है कि हम ना घड़ी का सेल ख़त्म हो जाता था ना जब, तो उसको जियो न्यूज़ से या किसी से देख के ज़रा मिलाते थे घड़ी को, तो अब तो यार वो भी ज़रा ख़त्म हो गया है हिसाब किताब, क्योंकि वो एंड्रॉयड के फ़ोन में भी अब क्या होता है सर्वर से गेट करता है टाइम। वो एंड्रॉयड के फ़ोन में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि टाइम सेट करना पड़ा हो, अब नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता, करना पड़ता है। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल है अब नया वाला लोगे तो उसमें नहीं करना पड़ेगा, नहीं ऑप्शन आता है लेकिन करना नहीं पड़ता, वो खुद जाता है, ऑप्शन तो मौजूद है। एंड्रॉयड ने भी ये ऑप्शन ख़त्म नहीं किया, आईफोन वालों ने तो ख़त्म कर दिया, बोलते हैं भाई डेट सेट कर ही नहीं सकते आप सिर्फ टाइम जोन सेट कर सकते हो कि मैं किधर हूँ इस वक्त, टाइम खुद ही आएगा आपके पास। तो एंड्रॉयड में सेटिंग में ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन वो उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद होता है। इवन विंडोज़ के अंदर भी अब क्या होता है, विंडोज़ में भी पहले टाइम बचपन में जब हम कंप्यूटर ऑन करते थे तो अगर उसके मदरबोर्ड पे एक सेल लगा होता था छोटा सा, अगर वो सेल ख़त्म हो जाए ना तो टाइम ख़राब हो जाता था, अब वो बार बार उसको टाइम को सेट करना पड़ता था, वरना कोई वेबसाइट ही नहीं खुलती थी। अब ये होता है कि इवन अगर वो सेल ख़राब भी हो गया ना आपका, तो आपका जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है इंटरनेट तो कनेक्ट है, वहाँ से टाइम उठा लेता है वो। ठीक है, तो वो इस तरह से फिर आपको कंप्यूटर में भी अब टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मामलात इन्होंने काफ़ी हद तक अब रिजॉल्व कर दिए हैं, टाइम को ना ज़रा सीमलेस कर दिया है। वेल, तो
तो अब ये क्या करता है, जैसे ही मैं न्यू डेट करता हूँ ना, तो ये देखता है कि मेरा सिस्टम का टाइम जोन इस वक्त क्या है। सिस्टम के टाइम जोन को अगर मैंने चेंज करना हो तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ सेटिंग में, और यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे वो आ रहा होता है लोकेशन एंड, कहाँ आ रहा होता है यार वो, यहीं कहीं आता है, जनरल में आता है शायद, हाँ लैंग्वेज एंड रीजन, यस दिस इज द वन, लैंग्वेज एंड रीजन है ना मेरे पास, इसमें ये सारी बातें वो पूछ रहा होता है मुझसे कि यार आप किधर हो, नहीं इधर नहीं पूछ रहा, मेरे ख्याल इसके नीचे वाला है, टाइम एंड डेट, हाँ ये आ गया ना, देख रहे हो टाइम को ऑप्शन नहीं है सेट करने का, टाइम को मैं चेंज नहीं कर सकता। अच्छा ये सेट ऑटोमेटिकली हटाऊंगा तो, अरे पासवर्ड मांग रहा है छोड़ो, ठीक है सोर्स ये पूछ रहा है कि यार कहाँ से टाइम लाऊं मैं, ये भी पासवर्ड मांग रहा है इसमें। अच्छा यहाँ पे देखो टाइम जोन है ना, सेट ऑटोमेटिकली टाइम जोन यूजिंग माई लोकेशन, तो पाकिस्तान यहाँ पे सेट हुआ है। अगर इसको मैं चेंज करूँगा ना तो क्या होगा कि फिर यहाँ पे इसको चेंज मिलेगा, इसको वही वाला पता चलेगा, ठीक है। तो गूगल क्रोम और मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात पता है कि मैं कराची में हूँ, तो ये उसको ऑटोमेटिकली उसी टाइम में कन्वर्ट करेगा, लिहाजा जब मैं यहाँ पे आके उसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे वेनसडे 20:42 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे इस फॉर्मेट में नहीं डिस्प्ले कराना, मुझे कराना है कि भाई मतलब क्या मतलब 8:48 कराना है, 8:42, तो उसके लिए मैं या तो ये करूँगा कि भाई इस पे डॉट डॉट लगा के सारे मेथड हैं, मैं गेट मिनट गेट आवर और गेट सारे करूँ, या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं मूवमेंट जेएस लगा लूँ चुप करके, उसमें डॉट फॉर्मेट कॉल करूँ और मैं बता दूँ कि यार एच और एमएम कर दो, या कितने मिनट अगो वाला जो होता है उसमें वो लगा दूँ मैं, तो वो बड़े आराम से हो जाता है। तो इसके ऊपर मेहनत मज़ीद मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जब मैं यहाँ डेट सेव करा दी ना मैंने, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ जब इसको क्वेरी इसको, तो मैं डेट के थ्रू भी इसको क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यार क्रिएटेड ऑन के ज़रिए इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन आईडी के ज़रिए करना ज़्यादा बेहतर है, क्यों, आईडी के ऊपर इंडेक्सिंग हुई भी होती है, तो आईडी के साथ मैं जो भी काम करूँगा ना वो ज़रा फास्ट होगा निस्बत बाकियों के। आईडी के ज़रिए मैं जो भी काम, क्योंकि आईडी पहले से सॉर्ट है, आईडी को पहले से सॉर्ट किया हुआ है उसने, इंडेक्सिंग क्योंकि उसकी हुई भी है, तो उसको ज़रा पलटना पड़ेगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डेट जो है वो वैसे तो डेट भी मेरी सॉर्टेड है, क्योंकि जाहिर है जब एक डेट मैं हिट करूँगा तो अगली डेट उसके बाद की ही होगी, उससे पहले की नहीं होगी, है तो वो भी सॉर्टेड। हाँ नहीं तो मतलब कहने का ये है कि होगा तो डेट भी सॉर्टेड, लेकिन डेट पे इंडेक्सिंग नहीं हुई थी, डेटाबेस को ये थोड़ी पता है कि ये सॉर्टेड है फॉर श्योर, डेटाबेस को ये बात नहीं पता कि ये इंडेक्सिंग इस पे क्योंकि नहीं हुई भी, तो ये नहीं पता कि यार वाकई ये सॉर्टेड है या नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल है हमने काफ़ी कर लिया है क्रड ऑपरेशन के अंदर अंदर रहते हुए। अच्छा अब हमारे पास जो है ना दो ऑप्शन है, नहीं दो क्या ऑप्शन है, एक ही है, लॉगिन साइनअप पे जाना है, अब हमने लॉगिन साइनअप की तरफ मूव करना है अब हमने। चलो भाई अब लॉगिन साइनअप की तरफ मूव करते हैं इसको, क्रड ऑपरेशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया है, समझ नहीं आया, वो तो अपलोड इमेज तो अभी आ गया ना, हाँ वो तो करेंगे इंशाल्लाह, हम बाद में करेंगे आराम से। नहीं बेस 64 रेकमेंडेड नहीं है भाई, मैं तो नहीं करता, ठीक है। इस बेस 64 में डेटाबेस में भरोगे, फिर डेटाबेस में जाके सेव करोगे ना, डेटाबेस एक्सपेंसिव है बहुत यार, डेटाबेस बहुत एक्सपेंसिव है, यानी एज कम्पेयर टू स्टोरेज बकेट, वैसे तो डेटाबेस सस्ता है लेकिन स्टोरेज बकेट से कंपैरिजन में बहुत महंगा है, ठीक है जी। तो चलो